हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सर्दी ऑलमोस्ट जा चुकी है, अब गर्मी का आगमन हो चुका है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ साइड की। अगर आप महाराष्ट्र में या साउथ साइड में जाएंगे तो वहाँ देखो गर्मी रहती रहती है। मेरा जो ये मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना ये वीडियो बनाने का, वो ये है कि हमारी एसी की जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपर कैसे रखें। मैं स्पेशल बात कर रहा हूँ यहाँ नॉर्थ साइड में। देखो, सितंबर या अक्टूबर तक एसी चलता है, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने, और फरवरी तक भी 3 से 4 महीना आपका एसी बंद रहता है। रेयरली कभी कभी एसी ऑन करना पड़ता है आपका डिफॉगिंग के टाइम पे, जब आपको अपना जो है फॉग वगैरह हटाना पड़ता है। तो 3 महीने अगर एसी बंद है तो सोचो कितना बड़ा आपका डिसएडवांटेज है। आपका एसी का जो है बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान में रहता है उस टाइम पे, क्योंकि हमारे ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान क्यों जाएगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है एसी की उस टाइम पे। तो आप अगर अपनी मैनुअल बुक भी पढ़ेंगे ना, तो कंपनी क्या रिकमेंड करती है कि 1 महीने में एटलीस्ट 1 बार और 1 मिनट के लिए आप अपना जो एसी है वो रन कर सकते हैं, अगर इंजन आइडलिंग पे भी आप चलाएंगे तो। ठीक है, तो ये तो भाई कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 मिनट तो चला सकते हैं ना नॉर्मली भी। अगर आप 1 महीने में आप 2-3 मिनट भी अगर आप अपने एसी ऑन करके रख दोगे ना, तो भाई मैं श्योर कह रहा हूँ, कंपनी भी लिख के बोल रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका जो एसी का जो परफॉर्मेंस है और जो रिलायबिलिटी है वो कहीं नहीं जाने वाली है, और आपको मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सालों साल। अगर ये आप टिप्स और ट्रिक्स अगर आप अपनाओगे ना, क्यों कंपनी बोलती है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, कंप्लीटली बंद आपका एसी रहेगा ना तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि उसमें कोई सर्कुलेशन नहीं होता है। अगर सपोज करो आपने अपना 1 मिनट के लिए भी एसी ऑन कर लिया ना, वो क्यों बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जो 1 मिनट में क्या, 1 मिनट में क्या हो जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। 1 मिनट में जो होगा वो मैं बताता हूँ कि आपका जो रेफ्रिजरेशन है और जो ऑयल सर्कुलेशन है एसी के अंदर, वो आपका प्रॉपर तरीके से होगा, और जो आपके इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं ना एसी के, वो आपका सालों साल बरकरार रहेंगे, प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी बोलती है कि अगर आप 1 मिनट के लिए भी अपना एसी ऑन करते हैं ना महीने में सिर्फ 1 बार, दैट्स सफिशिएंट। तो आपको कोई भी अलग से मेंटेनेंस टिप मतलब कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, अगर आप इतना भी कुछ करते हैं तो। ये क्या होगा, 1 या 2 या 3 आपका मौसम में नहीं पता लगेगा, बट ये कंटिन्यूस अगर हम ये करते हैं ना इस चीज़ को लेके, तो हमारा इन जो एसी है वो सालों साल हमारा बिल्कुल मस्त चलेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मान लो जैसे फर्स्ट टाइम हमने अपना एसी जो चलाया है ना, वो वैसे ही परफॉर्मेंस देगा। ये इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी जो दूसरी गाड़ी है ना, वो एक तो मैं बहुत अब कब चलाने लग गया हूँ, और क्या हो गया कि अब बिल्कुल जब अब एसी चला रहा हूँ ना, इवन 25 पे भी मैं वो उसकी जो कूलिंग है वो फेस नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो वो मैं कभी 27 या 28 टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखता था। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, क्या होता है कि ये चीज़ें पता होने से, शेयर करने से एक पूरी जानकारी मिलती है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये कंपनी रिकमेंड करती है। ठीक है, तो बस मेरे को कहीं से ये पता लगा, तो मुझे लगा कि ये चीज़ तो एटलीस्ट आपको बतानी, मतलब मेरा बनता फर्ज आपको बताना। और अभी फिलहाल हम अपना एसी ऑन कर चुके हैं, और मैं तो अपना एसी ऑन करके ही चलाता हूँ अभी भी, भले ही चाहे ये मिड फरवरी चल रहा है, लेकिन गर्मी गाड़ी में लगती है, बिना एसी के आप नहीं चल पाओगे। ठीक है, तो ये अगर आप छोटी सी टिप या ट्रिक जो मैंने आपको बताई, अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।